हाँ तो बेटा, इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 5 आवर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि वो सरफेस से डिस्टेंस दे रखी है 5 आवर, ठीक है। और कौन सा सैटेलाइट है बेटा, जियो स्टेशनरी, यानी इसका टाइम पीरियड बेटा 24 आवर है ना। अच्छा, द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सेटेलाइट इन आवर्स एट अ हाइट 2 आवर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ, यानी अपने को एक दूसरे सेटेलाइट का टाइम पीरियड बताना है जो अर्थ की सर्फेस से कितनी डिस्टेंस पे है, 2 आवर पे है। तो कभी भी ऐसे कभी टाइम पीरियड की बातें चल रही हो तो बेटा एक ही फॉर्मूला तुम्हारे ध्यान में आना चाहिए कि जो टाइम पीरियड होता है टी, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3/2 होता है ना, आर की पावर टी बाई थ्री बाई टू। ये अपने कैपलर्स का थर्ड लॉ है। ये आर क्या होता है, आर अपने पास डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ होता है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ प्लैनेट बोल दो, या फिर इस केस में क्या बोल सकते हो, अर्थ ना। याद रखो सेंटर से ही डिस्टेंस होती है ना, सरफेस से नहीं होती बेटा। कहाँ से होती है, सेंटर से। यानी इस फॉर्मूले को बेटा मैं ये लिख सकता हूँ कि T1/T2 इक्वल्स टू R1/R2 की पावर 3/2 है ना। अब T1 क्या है, T1 है जियो स्टेशन सेटेलाइट का टाइम पीरियड जो अपने को ऑलरेडी दे रखा है, यानी इस टाइम पीरियड की वैल्यू अपने को पता है कि T1 की वैल्यू तो कितनी है, 24 आवर है ना। T1 24 है, R1 बेटा सेंटर से डिस्टेंस है तो अभी ये 5 आवर नहीं होनी चाहिए सेंटर से, तो ये कितनी आवर होनी चाहिए, 6 आवर। R2 भी सरफेस से 2 आवर है तो सेंटर से बेटा कितनी होनी चाहिए, 3 आवर। यानी अगर हम वैल्यूज़ पुट करें बेटा तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 24/T2, T2 पता करना है। अच्छा, R1 अपने पास 6 आवर डिवाइडेड बाई 3 आवर की पावर क्या लिख दूँ बेटा, 3/2। तो आर से आर गया, यहाँ पे 2 बचेगा, 2 की पावर क्या आ जाएगा, 3/2। यानी अगर अपने को T2 फाइंड आउट करना है बेटा तो T2 का आंसर आएगा 24/2 की पावर 3/2, यानी आ जाएगा √8, यानी आ जाएगा बेटा 2√2। समझ रहे हो ना, हम इसको आंसर में क्या लिख सकते हैं, 12/√2 भी लिख सकते हैं। और अगर तुम √2 से नीचे और √2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो तो ये अपने पास बेटा क्या बन सकता है, ये अपने पास बन सकता है T2 का आंसर 6√2 आर। यानी वो सैटेलाइट जो 2 आर के डिस्टेंस पे है सरफेस से, उसका टाइम पीरियड है 6√2 आर।